हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। स्टूडेंट्स, इन प्रीवियस लेक्चर आई एक्सप्लेन्ड यू अबाउट द डिवीजन मेथड, आई मीन टू से डिविजिबिलिटी रूल्स एंड बेसिक्स अबाउट द फैक्टर्स, मल्टीपल्स, प्राइम फैक्टर्स। ये सारी चीज़ें मैंने बताई थी आपको प्रीवियस क्लास में कि क्या होते हैं वो। ओके, नाउ टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द प्राइम फैक्टराइजेशन। किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं और प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, एचसीएफ और एलसीएम हम कैसे निकालते हैं। हाउ? ओके, तो चलिए देखते हैं। तो उससे पहले बेटा आपको याद रखना होगा कि आपको मिनिमम 1 to 100 सारे प्राइम नंबर्स आपको लर्न करने होंगे। ओके, उसके लिए बेटा आपको मैं एक नोट्स प्रोवाइड करूँगा। आपके पास ये है प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 to 100। ये बेटा आपकी बुक में नहीं, ये क्लास सिक्स की बुक में। देन मैं आपको उसका फोटो को कैप्चर करके फ़ोटो आपको मैं सेंड कर दूँगा। तो 1 to 100 आप हेडिंग डालेंगे, प्राइम नंबर बिटवीन 1 to 100, बस ये हेडिंग डालेंगे और ये टेबल बनाएंगे। और देखिए, सर्कल से प्राइम नंबर्स को यहाँ पे सर्कल किया गया, सारे प्राइम नंबर्स को सर्कल किया गया। तो यू हैव टू लर्न द प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 to 100। बेटा प्राइम नंबर्स आपको लर्न करना होगा, तभी आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर पाएंगे। क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन में जो हम डिवीजन करते हैं वो प्राइम नंबर से ही करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 154 यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में क्या होता है, हम अब इसका डिवीजन करना। बेटा जो लाइंस हैं, यू विल यूज द स्केल, स्केल यूज करके प्रॉपर नीट एंड क्लीन वर्क करेंगे। ओके, तो अब सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है। तो आप चेक कीजिए क्या ये 2 से डिविजिबल है। उसके लिए आपको डिविजिबिलिटी रूल मैंने लिखवाया था, डिविजिबिलिटी रूल होना चाहिए। 2 से कोई नंबर डिविजिबल कब होता है, जब उसके फर्स्ट यूनिट प्लेस पे कोई इवन नंबर हो। तो देखिए 4 इवन नंबर है, मतलब ये नंबर 2 से डिविजिबल है। तो 2 से इसको डिवाइड कर दीजिए। अब 2 से जब डिवाइड करेंगे आप, तो 2 से 15 जाएगा, 15 2 से कितने टाइम जाएगा, 7 टाइम्स, 2 7 जा 14, 1 कैरी होगा, 1 कैरी होकर यहाँ पे आ जाएगा, तो अगेन क्या हो जाएगा 14, तो 2 7 जा 40, 77 अगेन। अब देखिए, अब नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या है, अब 2 से क्या है डिविजिबल है, नहीं, क्योंकि यहाँ पे 7 है, ऑड नंबर है। चलिए, तो नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या है बेटा, हम स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से स्टार्ट करते हैं और डिवाइड करना स्टार्ट कर देते हैं। तो 2 से अब ये नंबर 2 से नहीं कटेगा। देन व्हाट इज द नेक्स्ट प्राइम नंबर, 3। 3 से चेक कीजिए, 3 से डिविजिबिलिटी का क्या रूल है, कि डिजिट्स का सम जो है अगर 3 से डिविजिबल है, देन नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3। अब 7 + 7 करेंगे 14 आएगा, 14 3 से डिविजिबल है, नहीं, इट मीन्स ये नंबर 3 से डिविजिबल नहीं होगा। तो चलिए नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या है, नेक्स्ट प्राइम नंबर इज 5। 5 से डिविजिबिलिटी का क्या रूल है, कि यूनिट प्लेस पे या तो 0 होना चाहिए या तो 5, बट यहाँ पे तो 7 है, इसलिए ये भी 5 से भी डिविजिबल नहीं है। नेक्स्ट प्राइम नंबर, नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या है, 7। तो 7 से डिविजिबिलिटी रूल आपको लर्न होगा कि क्या करते हैं। 7 से डिविजिबिलिटी रूल का क्या है, इसका है आपको लास्ट वाले डिजिट का स्क्वायर 2 टाइम्स करते हैं। तो 7 × 2 = 14, और 14 − 7 = 7 आ रहा है, 7 से डिविजिबल है, डेट्स वाई 7 से डिविजिबल होगा। नेक्स्ट प्राइम नंबर इज 7। तो 7 से देखिए आप 1 टाइम्स, और 7 से 1 टाइम्स। ओके, अब यहाँ पे चेक करने की जरूरत नहीं बेटा, आप देख रहे हो 11 है, तो 11 नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या है, 11 से ये 1 टाइम्स चला जाएगा। आपको ये डिवीजन तब तक करना होगा बेटा जब तक यहाँ पे 1 ना आ जाए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो चलिए, अब इसके प्राइम फैक्टर्स क्या क्या हो गए, तो इसके आपके प्राइम फैक्टर्स इसके हो जाएंगे क्या क्या, 2, 7 and 11, ये इसके क्या है प्राइम फैक्टर्स। बट आप लोग, कुछ लोग सोच रहे हो कि सर ये तो फॉर्म डायरेक्ट 7 × 14 से भी डिवाइड कर देते हो जाता, तो हो जाता बेटा, लेकिन आप जब आप 14 से डिवाइड करते हो तो यहाँ क्या आता, 14 and 11 आता, जबकि 14 क्या है आपका प्राइम नंबर नहीं है। एंड वी नीड अ प्राइम फैक्टर्स, तो प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करने के लिए हमेशा हम प्राइम नंबर से ही डिवाइड करते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 1800 यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। चलिए 1800 का देखते हैं, 1800। ठीक, चलिए
स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर टू, आपको देख के लग रहा है कि टू से डिविजिबल है, यस टू से डिविजिबल है, चेक कीजिए, टू से नाइन टाइम जाएगा 18 और टू टाइम जीरो आ जाएगा यहाँ पे, ओके अगेन चेक इट आउट, क्या टू से डिविजिबल है, इवन प्लेस पे फर्स्ट यूनिट प्लेस पे क्या होना चाहिए, इवन नंबर, जीरो इज द इवन, तो ये कटेगा, ओके टू से अगेन कटेगा, टू फोर जा एट, एट वन कैरी करेंगे, इधर टेन हो जाएगा, तो टू फाइव जा टेन और ये आपका जीरो, ठीक, अगेन अभी भी जीरो है, तो टू से कटेगा, टू से टू फोर जा टू टू जा फोर, यहाँ पे टू टू जा फोर, वन कैरी होगा टेन, टू फाइव जा टेन, ओके अगेन नाउ चेक इट आउट, अब टू से तो नहीं कटेगा, तो नेक्स्ट प्राइम नंबर, व्हाट इज द नेक्स्ट प्राइम नंबर, नेक्स्ट प्राइम नंबर इज द थ्री, तो चेक कीजिए, थ्री से कट टाइम सम कीजिए, टू प्लस टू फोर एंड फोर प्लस फाइव नाइन, सम नाइन आ रहा है, नाइन थ्री से डिविजिबल, इट मीन्स ये नंबर भी थ्री से डिविजिबल होगा, तो चलिए थ्री से कर लीजिए। देखिए बेटा, मैंने आपको स्टार्टिंग क्लास में बताया था कि डिविजिबिलिटी रूल आप लर्न करेंगे, अगर आप लर्न करेंगे तो यहाँ पे आपका टाइम बचेगा, अदरवाइज अगर आप डिविजिबिलिटी रूल लर्न नहीं किया आपने तो आपको क्या करना पड़ेगा, 225 को आपको कहीं रफ में चेक करना पड़ेगा थ्री से डिविजिबल है कि नहीं, और अगर वो होगा तो फिर करेंगे, नहीं होगा तो फिर आपको फिर यहाँ पे आपका टाइम वेस्टेज होने से बचेगा, ओके तो चलिए थ्री से करते हैं थ्री से, थ्री सेवन जा ट्वेंटी वन, थ्री सेवन जा ट्वेंटी वन, वन यहाँ पे कैरी हो जाएगा 15, तो थ्री फाइव जा 15, ओके अगेन देखते हैं, अब अगेन देखते हैं क्या है, थ्री से डिविजिबल है, सेवन प्लस फाइव ट्वेल्व, थ्री से डिविजिबल, एट मीन्स 75 भी थ्री से डिविजिबल होगा, तो क्या हो जाएगा, थ्री टू जा सिक्स, वन कैरी होगा 15, वन यहाँ थ्री टू जा सिक्स, और सिक्स सेवन से सिक्स वन कम है, सिक्स जो सेवन से वन कम है, तो ये वन यहाँ कैरी हो जाएगा 15 भाई 5, और एक कैरी आएगा यहाँ पे 15 हो जाएगा, तो 3 5 जा 15, ओके चलिए अब देखिए क्या है, 3 से डिविजिबल है, 5 प्लस 2 7, 3 से डिविजिबल नहीं है, तो अब नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या है, नेक्स्ट प्राइम नंबर आपका 5 है, 5 से डिविजिबल होगा, यस तो 5 से करेंगे आप, 5 से 25 को डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम जाएगा, अगेन ये 5 5 से 1 टाइम जाएगा, ये आपका प्राइम फैक्टराइजेशन कंप्लीटेड। अब आपको लिखने हैं प्राइम फैक्टर्स, सो प्राइम प्राइम फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, तो अब देखिए बेटा, अब प्राइम फैक्टर्स में सारे नंबर्स आप नहीं लिखोगे, याद रखना प्राइम फैक्टर्स में नंबर रिपीट नहीं होता है, यहाँ पे देखिए 2 7 11 था, सब 2 भी 1 टाइम्स था, 7 भी 1 टाइम्स, 11 भी 1 था, इसलिए मैंने तीनों को लिखा, बट हियर 2 थ्री टाइम्स आया, थ्री टू टाइम्स आया, फाइव टू टाइम्स आया, तो ऐसे नहीं कि टू को आप थ्री टाइम्स लिखोगे, थ्री को टू टाइम्स लिखोगे, फाइव को टू टाइम्स लिखोगे, आपको लिखना क्या है, यहाँ पे सिर्फ प्राइम फैक्टर पूछ रहा है, हियर इज आस्किंग ओनली प्राइम फैक्टर्स, तो प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से होंगे यहाँ पे, ये नंबर 1802 से कम्प्लीटली डिविजिबल है, एंड थ्री से है, एंड फाइव से है, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब प्राइम फैक्टर्स आई थिंक आप इजीली निकाल लेंगे, अब आते हैं हम HCF पे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है, HCF मींस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दो नंबर मींस ज़्यादा से ज़्यादा कॉमन, मतलब कॉमन मतलब क्या होता है बेटा, कि अगर दो नंबर्स हैं, दो नंबर्स हैं, कोई ऐसा नंबर जो ए में भी हो और बी में भी हो, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, आप 70 का प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए, 98 का प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए, दोनों का सेपरेटली, ठीक है, फिर उसमें हम चेक करेंगे कि ऐसा कौन कौन सा प्राइम नंबर है जो 70 में भी है 98 में भी है, जो दोनों में होगा वही उसका क्या हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ओके चलिए देखते हैं, फाइंड HCF ऑफ 70 एंड 98 यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एज वेल एज डिविजन मेथड, आपको HCF निकालना है 70 एंड 98 का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एज और किस मेथड से, डिविजन मेथड से, तो मैं सेम क्वेश्चन आपको दोनों मेथड से अब यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, फर्स्टली वी विल यूज प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में क्या करते हैं, दोनों नंबर्स का अलग अलग फैक्टराइजेशन करते हैं, तो चलिए 70 का फैक्टराइजेशन करते हैं, कितना आएगा, 2 से जाएगा या पे 2 से आपका कटेगा, 2 3 जा 6, फिर 1 कैरी हुआ 10, 2 5 जा 10, ओके अब 2 से नहीं कटेगा, तो नेक्स्ट प्राइम नंबर देखिए 5 से कटेगा, 5 से करेंगे, 5 7 जा 35, नेक्स्ट 7 1 जा 7, ये आपका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया, नेक्स्ट आपका 98,
अब 98 का भी कर लीजिए प्राइम फैक्टर्स। तो देखिए यहाँ पे 8 है, इवन नंबर 2 से जाएगा, 2 से कर लीजिए, 24 जा 8, 1 कैरी होगा 18, 29 जा 18। अब 7 से जाएगा, 7 49 7 के 7 का मल्टीपल है, 7 से जाएगा यहाँ पे, 7 7 जा 49, अगेन ये 7 7 से 1 टाइम जाएगा। ओके चलिए अब यहाँ पे हम प्राइम फैक्टर्स लिखते हैं 70 का, 70 का मल्टीपल 70 इज इक्वल्स टू आप लिख सकते हो क्या 2 × 5 × 7। 98 का 2 × 7 × 7। बट अब यहाँ पे कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे, सर आपने कहा था कि ये नंबर्स जो रिपीट हो रहा है वो हम रिपीट नहीं करेंगे, बट बेटा वहाँ पे क्वेश्चन क्या था, यहाँ पे क्वेश्चन था कि प्राइम फैक्टर्स बताने थे, तो प्राइम फैक्टर्स सिर्फ एक ही बार लिखने काफ़ी है। अब आपको यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स 2 आपने एक बार बता दिया तो दोबारा 2 बताने की जरूरत थोड़ी ना है, देर इज़ नो नीड। बट यहाँ पे आपको क्या करना है, SCF निकालना है, तो क्या मैक्सिमम कॉमन आपको निकालना है। यहाँ पे SCF का फुल फॉर्म क्या है, हाइएस्ट कॉमन फैक्टर, मीन्स मैक्सिमम कितना कॉमन दोनों में है। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे SCF कैसे निकालेंगे, आप यहाँ पे SCF हाइएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा यहाँ पे। अब देखिए हम पेयर बनाते हैं, अब देखिए 2 का 2 से, यहाँ पे 2 यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो इनका हमने क्या कर लिया, इनका हमने पेयर बना दिया। ओके 1 2 आ गया यहाँ पे, एक पेयर यहाँ पे आ गया। ओके अब देखिए 5 यहाँ पे है, यहाँ पे है क्या 5, नहीं है नहीं है। ओके तो 5 का पेयर नहीं बन पाएगा। 7 चेक कीजिए, 7 का यहाँ पे है, यस 2 7, यहाँ पे 2 7 है, तो दोनों में से किसी भी एक के साथ आप पेयरिंग कर सकते हैं। तो मैंने इस 7 का इस 7 के साथ पेयर कर दिया, तो यहाँ पे आ गया एक, देयर इज अ 1 पेयर ऑफ 2 एंड 1 पेयर ऑफ 7, 1 पेयर ऑफ 2 एंड 1 पेयर ऑफ 7, तो SCF आपका आ जाएगा 2 × 7 = 14। दिस इज योर SCF। ओके चलिए देखते हैं, अब इसका हम डिवीजन मेथड देखते हैं, डिवीजन सेम क्वेश्चन नाउ वी विल सॉल्व बाय यूजिंग डिवीजन मेथड। तो डिवीजन मेथड में आपको क्या निकालना था, प्राइम फैक्टर्स निकालने थे 70 एंड 98 का। ओके तो डिवीजन मेथड कैसे यूज करते हैं बेटा, SCF निकालने के लिए, तो दोनों में स्मॉलेस्ट कौन है, 70 इज द स्मॉलर एंड 98 इज द बिगर ग्रेटर नंबर, ये स्मॉलर और ये ग्रेटर है, तो जो स्मॉलर नंबर होता है उसको हम बना देते हैं डिवाइजर, और जो ग्रेटर नंबर होता है वो क्या हो जाता है आपका डिविडेंड। ओके अब इसको डिवाइड करते हैं, तो 70 98 कितने टाइम्स जाएगा, 1 टाइम जाएगा, 1 टाइम्स 98 सॉरी स्टूडेंट बाय मिस्टेक मैंने आप 98 लिख दिया था, तो 70 1 टाइम जाएगा 70, अब सबट्रैक्ट कीजिए 8 9 में से 7 जाएगा 2 28। अब आप ध्यान से देखिए 28 इज द रिमाइंडर। ओके ये डिवीजन हम तब तक करते जाते हैं जब तक आपका रिमाइंडर 0 ना हो, बट यहाँ पे 28 रिमाइंडर है, अब 28 रिमाइंडर आ जाएगा, इस केस में हम क्या करेंगे, अब इस स्टार्टिंग में जो पहले अब डिवाइजर था, डिवाइजर क्या था 70, अब वो क्या बन जाएगा यहाँ पे डिविडेंड, 70 अब क्या बन जाएगा डिविडेंड, अगेन आप डिवाइड करोगे, अगर यहाँ पे अगेन रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो फिर जो रिमाइंडर आएगा वो क्या हो जाएगा आपका डिवाइजर, और 28 क्या हो जाएगा डिविडेंड। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, तो ये प्रोसेस हम तब तक करते रहेंगे जब तक हमारा रिमाइंडर क्या हो जाए 0 ना हो जाए। चलिए 28 से आप करेंगे, ये आपका आ जाएगा 2 टाइम्स जाएगा 28, 2 टाइम्स आपका हो जाएगा 56, अगेन सबट्रैक्ट 10 1 बोरो लेके 10 माइनस 6 4 एंड 6 माइनस 5 1। ओके अगेन अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं है, देन 14 बिकम डिवाइजर, और इससे पहले डिविडेंड क्या डिवाइजर क्या क्या था 28, तो 28 नाउ बिकम डिविडेंड। ओके अगेन आप डिवाइड कीजिए कितने टाइम जाएगा 14, 2 टाइम जाएगा 2 टाइम्स 28, ये आपका रिमाइंडर 0 कैंसिल आउट हो गया, रिमाइंडर क्या आ गया 0। अब हम यहाँ पे आपका प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे कैसे बताते हैं कि SCF कितना आया, तो बेटा वो एट ऑन डैट टाइम जिस वक्त आपका रिमाइंडर 0 हुआ उस वक्त आपका जो डिवाइजर होता है वही
क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, याद रखिएगा बेटा, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है? जिस वक्त डिवाइड का रिमाइंडर जीरो हो गया, उस वक्त जो डिवाइजर था, पहले स्टार्टिंग डिवाइजर क्या था 17, फिर आपका 28 हुआ, फिर आपका 14 हुआ, तो यहाँ पर रिमाइंडर जीरो नहीं हुआ था, यहाँ पर जीरो नहीं हुआ था, यहाँ पर आपका रिमाइंडर क्या हो गया? जीरो। तो जिस वक्त रिमाइंडर जीरो होता है और उस टाइम पे जो डिवाइजर होता है वही क्या होता है आपका? SCF। सो SCF आपका आ जाएगा 14। यहाँ पे आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी 14 आया था, डिवीजन मेथड से भी 14 आया था। तो दोनों मेथड बेटा क्लियर है? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में आप प्राइम पहले फैक्टराइजेशन करेंगे, फिर दो जो कॉमन होंगे उनको सर्कल करके, वो जितने पेयर्स बन रहे हैं जिनके, वो आप लिखेंगे, उनका मल्टीप्लाई करके आंसर लिख देंगे। ठीक, डिवीजन मेथड में आप जो स्मॉलर नंबर होगा वो डिवाइजर बन जाएगा एंड ग्रेटर नंबर बिकम डिविडेंड, और आप डिवाइड करोगे और ये प्रोसेस अप्लाई करोगे। ये प्रोसेस तब तक चलेगा जब तक आपका रिमाइंडर जीरो ना आ जाए, और जैसे ही रिमाइंडर जीरो आएगा उस पॉइंट पे जो आपका डिवाइजर होगा वही क्या हो जाएगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द HCF ऑफ 45, 165 एंड 105 यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एज वेल एज डिविजन मेथड। एक और क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ। अब यहाँ पे तीन नंबर्स हैं, हियर इज थ्री नंबर्स, तीनों नंबर्स काम करते हैं यहाँ पे, तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से चलिए देखते हैं। तो सर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से तीनों को आपको क्या निकालना होगा? प्राइम फैक्टर्स। 45 का करेंगे, 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, 5 प्लस 4 9, 3 से जाएगा, तो 3 वन जा 3 एंड इज 15। ओके, नाउ 3 से अगेन जाएगा ये 5 टाइम्स, और ये 5 से अगेन जाएगा 1 टाइम्स। ओके, नाउ अब 165 का प्राइम फैक्टराइजेशन आप करेंगे, तो प्राइम नंबर्स 2 से जाएगा नहीं, नेक्स्ट प्राइम नंबर इज 3, तो 3 से देखिए जाएगा 6 प्लस 5 11 एंड 1 12, 12 इज डिविजिबल बाई 3, सो द नंबर इज डिविजिबल बाई 3, तो 3 से करेंगे 5 टाइम जाएगा 15, अगेन 1 करिएगा 15, 3 5 जा 15। ओके, नाउ अब चेक कीजिए 5 प्लस 5 10, 3 से डिविजिबल नहीं, तो नेक्स्ट प्राइम नंबर 5, 5 से डिविजिबल होगा, यस होगा, 5 से डिवाइड कर दीजिए। बेटा वन बाई वन हम स्टार्टिंग से जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है उससे हम स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं, तब तक कब तक करेंगे? जब तक नीचे ये 1 ना आ जाए। अगेन 5 5 1 जा 5 5 1 जा 5 11 आ गया आपका। अब नेक्स्ट प्राइम नंबर 11 है, 11 से कट जाएगा, 7 से जाएगा नहीं, तो नेक्स्ट प्राइम नंबर इज 11, 1 टाइम्स कैंसिल आउट। ओके, नाउ अब हम करते हैं 105 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 105 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2, 2 से नहीं जाएगा, 3 से चेक करते हैं, 5 प्लस 0 प्लस 1 6 आएगा, 6 3 से डिविजिबल है, इट मीन्स ये नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा, 3 3 जा 9, 1 करीब 15, 3 5 जा 15, अगेन 5 प्लस 3 8, 3 से नहीं जाएगा, चलिए नेक्स्ट प्राइम नंबर 5, तो 5 से जाएगा, चेक करते हैं, 5 7 जा 35 एंड 7 1 जा 7। ओके, तो ये आपका हो गया ये आपका सबका सारे नंबर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। अब सबकी वैल्यूज आप लिखोगे, 45 की क्या आए थे? 3 इंटू 3 इंटू 5। ओके, देन 165 का लिख लीजिए, क्या हो जाएगा आपका? 3 इंटू 5 इंटू 11। देन 105 का लिख लीजिए, वी कैन राइट 3 इंटू 5 इंटू 7। ओके, तो अब हम पेयर बनाना स्टार्ट करेंगे। अब इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपके क्या थे? आपके दो नंबर्स थे, तो दोनों में हमने कॉमन सर्च किया। नाउ यू हैव अ थ्री नंबर्स, तो आपको ऐसा नंबर सर्च करना है जो तीनों में हो। तो चेक इट आउट, 3 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है और यहाँ भी, 3 वो नंबर जो तीनों में, तो जो कॉमन मिला तुरंत उसको कॉमन कीजिए, एक पेयर बना लीजिए, 3 का पेयर हमने बनाया। ओके, चलिए अब एक और 3 है यहाँ पे, तो चलिए देखते हैं, 3 यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, तो इस 3 का पेयर पॉसिबल नहीं है। चलिए 5 का देखते हैं, 5 यहाँ पे है, यहाँ पे और यहाँ पे भी, तीनों में 5 है ना, अगेन एक 5 का भी आपका पेयर बन जाएगा, ये पेयर आपका किसका बनेगा? 5 का।
ओके नाउ 11 का पेयर पॉसिबल नहीं है, 7 का भी नहीं पॉसिबल, क्यों? क्योंकि 11 सिर्फ इसमें है, 7 सिर्फ इसमें है, 3 सिर्फ इसमें है। बेटा याद रखिएगा, जब तीन नंबर्स हैं तो यहाँ पे आपको एस सी एफ का मतलब ऐसे आपको वो नंबर सर्च करना जो तीनों में हो। अगर यहाँ पे चार नंबर होते हैं तो आपको वो नंबर सर्च करना होगा जो चारों में हो। अगर 5 होंगे तो वो नंबर सर्च करना जो सारे में हो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अगर किसी में से भी एक में नंबर नहीं, सपोज डैट यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी अगर 3 होता बट यहाँ नहीं होता तो भी हम 3 का पेयर नहीं बनाते। ये किस केस की बात कर मैं कर रहा हूँ? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एस सी एफ के लिए। एल सी एम अभी मैं बताऊँगा, एल सी एम में लेते हैं, एल सी एम में कोई भी नंबर हम छोड़ते नहीं है, वी विल नॉट लीव एनी वन नंबर। ओके नाउ सो हियर इज एस सी एफ, क्या आ जाएगा आपका? एक पेयर 3 का, एक पेयर 5 का, 3 × 5 = 15 इज योर आंसर। ओके चलिए सेम क्वेश्चन अब डिवीजन मेथड से देखते हैं। डिवीजन मेथड में क्या होगा? अब देखिए वहाँ पे तो मैंने इससे पहले वाले में दो नंबर्स थे तो मैंने बताया था कि जो स्मॉलेस्ट होगा, जो स्मॉलर होगा उसको हम डिवाइजर बना देंगे, जो ग्रेटर होगा उसको डिविडेंड बना देंगे। बट यहाँ पे तो तीन नंबर है तो कैसे करोगे? तो डजन मैटर बेटा, तीन नंबर आ जाए, चार नंबर आ जाए, पाँच नंबर आ जाए, डजन मैटर। आप वन बाई वन स्टेप बाई स्टेप करेंगे कैसे? अब इन तीनों में से टेक एनी टू तीनों में से कोई भी दे, दो ले लो, एनी टू चॉइस इज योर। चलिए अब मैं 165 और 105 ले लेता हूँ। चलिए तो 165 और 105 में स्मॉलेस्ट कौन है? 105 एंड ग्रेटर है 165। तो 105 बिकम डिवाइजर एंड 165 बिकम डिविडेंड। चलिए देखते हैं, सो 105 एंड 165। ओके अब यहाँ पे डिवाइड करेंगे, वन टाइम जाएगा 105, सब्ट्रैक्ट करिए 5 - 5 06 यहाँ पे आ जाएगा और ये कैंसिल आउट 60 आ गया। अगेन रिमाइंडर इज नॉट जीरो, तो 105 बिकम डिविडेंड। अगेन आप करेंगे 60, अगेन वन टाइम जाएगा, ठीक आपका हो जाएगा यहाँ पे 45। ओके सब्ट्रैक्ट करोगे 105 में से 60 तो आपका क्या जाएगा? 45। अगेन रिमाइंडर इज नॉट जीरो, तो अगेन 60 से क्या कर लीजिए, 60 बिकम डिविडेंड। ये प्रोसेस हम कब तक करते रहेंगे? जब तक रिमाइंडर जीरो ना हो जाए, अनटिल द रिमाइंडर बिकम जीरो। 45 वन टाइम जाएगा, अगेन 45। ओके आप सब्ट्रैक्ट करोगे यू विल गेट 15। अब 15 45 से कटेगा, यहाँ से आपका आ जाएगा, क्या आ जाएगा आपका 3 × 45 से कटेगा, नाउ रिमाइंडर बिकम जीरो। तो क्या 15 आपका आंसर है? बेटा ये कॉन्सिडेंस है कि जो आंसर है वो अभी यहीं पे आ जा रहा है, बट याद रखिएगा अभी आपका आंसर फाइनल नहीं हुआ क्योंकि आपने ये एस सी एफ किसका निकाला है? ओनली 105 और 165 का एस सी एफ निकाला है, अभी आपने तीनों का एस सी एफ निकालना था। सो हियर यू विल राइट, सो एस सी एफ ऑफ 105 and 165 = 15। ओके बट आपने अभी थर्ड नंबर छोड़ा हुआ, थर्ड नंबर क्या था? 45। तो अब आप क्या करोगे, जो एच सी एफ आया है उसको आप एज्यूम कर लोगे नेक्स्ट नंबर, और जो नंबर आपने छोड़ा था अब 15 और 45, इन दोनों में से जो स्मॉलर होगा उसको वो बन जाएगा आपका डिवाइजर एंड ग्रेटर बिकम डिविडेंड। ओके चलिए तो आप 15 और 45 का निकालिए, ये आपने नंबर छोड़ा हुआ था, ये आपके इन दोनों का एस सी एफ आया। तो 15 आप ये फर्स्ट राउंड में ही कर जाएगा, 15 × 3 = 45 एंड हियर इज रिमाइंडर जीरो। तो जब रिमाइंडर जीरो होता जो आंसर आता वही क्या होता है आपका एस सी एफ हो जाता है। सो एस सी एफ ऑफ 45, 105 and 165 = 15, डैट इज योर आंसर। तो बेटा अभी तक मैंने आपको आज मैंने आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना बता दिया, एस सी एफ बता दिया, एंड इन नेक्स्ट क्लास आई विल डिस्कस एल सी एम लिस्ट कॉमन मल्टीपल एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एस सी एफ एंड एल सी एम। सो योर होमवर्क इज एक्सरसाइज 4.1 में
क्वेश्चन नंबर वन, फाइंड एचसीएफ ऑफ बाई द फैक्टर मेथड। फैक्टर मेथड मीन्स प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, आप निकाल सकते हैं इजली। फाइंड एचसीएफ बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, सेम दोनों मेथड सेम है, कुछ डिफरेंस नहीं है। फाइंड एचसीएफ एचसीएफ बाई यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड, डिवीजन मेथड जो अभी मैंने बताया, डेट विल बी द डिवीजन मेथड। तो क्वेश्चन नंबर वन, क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर थ्री सारे कर सकते हैं बेटा। यू विल नॉट लीव एनी वन क्वेश्चन, क्योंकि बेटा इस चैप्टर में सिर्फ एक एक्सरसाइज है, आपको सारे के सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। तो तीन क्वेश्चन नंबर थ्री तक आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर है फाइंड एलसीएम, तो एलसीएम क्वेश्चन नंबर फोर से टेन आप नेक्स्ट क्लास में जब आपकी होगी उसके बाद मैं आपको होमवर्क दूंगा। जो टूडेज होमवर्क एज क्वेश्चन नंबर वन टू एंड थ्री ऑल, ओके। बट बिफोर एक्सरसाइज, बिफोर डूइंग एक्सरसाइज 4.1 आप ये जरूर करोगे, हेडिंग डालोगे प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 to 10, और ये सारी चीज़ आपको लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बस आप हेडिंग डालोगे और ये टेबल बनाओगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये मैं आपको इसका फोटो कैप्चर करके सेंड कर दूँगा। ओके, थैंक यू क्लास।